अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। जा बच्चों को अंदर ला, रहे मेरे लिए रसोड़े से कुछ खाने को लेके, भूख लगी। जा क्या लो मालिक? बरसात पड़े छे ने, बरसात पड़े એટલે भजिया खावाना है। जा कांदे और मिर्ची के भजी लो। हां हां मिर्ची के और कांदे के ला। जा जा बना दी थी। अरे वाह, क्या भैया खा रहे हो? किसने बनाया? संतु। ए संतु 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 भैया, अरे वाह, तूने मेरे मन की बात कैसे जान ली? अरे तुझे पता है बारिश में भजिया खाने का मजा कुछ और ही है। सही बात है। बसुधा तू ये क्या कर रही है? भजिया तो खाने दे मुझे। हाँ, तो सब खाएंगे ना, आप अकेले ही खाएंगे क्या? नहीं नहीं ऐसा नहीं। बा, 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 भजिया अरे ले अभी एक ले। चल। अरे पूरे नहीं, एक ले। देखा शंभू, सब लोग मालकिन के हाथ का बनाया भजिया कितने मजे से खा रहे हैं। भजिया तो बहुत अच्छी बनी है, चंपा कली ने अच्छी तली है भजिया, उसके रंग की तरह काली नहीं पड़ी। ये चंपा कली ने नहीं, संतु ने बनाया। बहुत अच्छी बनाई। क्या कहा? ए छोकरी, एक घंटा लग गया तुझे भजिया तलने में। वो मैं ला रही थी, पर एक एक करके सब आ गए तो सबके लिए। हे जीरे अने सारू लाग्यू, फिर देख करके पूरा परिवार तेरा भजिया खा रहा। पूरा परिवार नहीं मालिक, कादंबरिया नहीं है। कादंबरी नहीं है शू? मैंने निर्णय किया था कि मैं उससे बात नहीं करूंगा। इसका यह मतलब नहीं कि परिवार वाले उससे बात ना करें। ए छोकरी भैया, ले कादंबरी को खिला दे। कहा था ना मैंने मत फेंकना, सर्दी लग जाएगी। ये लो, सर्दी में गरम भजिया खाने का मजा कुछ और ही होता है, अच्छा होता है, खा लो। नहीं, मुझे भूख नहीं है। क्यों नहीं खाना? कहा ना मैंने, मेरा मन नहीं है। ये मैंने बनाया है पर मालिक ने प्लेट भिजवाई है। डैड ने? संतु।
सुप्रभात सुभद्रा। आज चंपा कले जी मालिक, सुभद्रा का चित्र यहाँ से हटाने का साहस किसने किया? वो क्या कर रही है बोल। वो संतु मालकिन लेकर गई आज सुबह। क्या हुआ धर्मराज? ये सब तेरे कारण हुआ है बा। तूने उस छोकरी को इतना महत्व दिया, इतना मान दिया, इसीलिए उसका साहस इतना बढ़ गया। मेरे कमरे से सुभद्रा का चित्र वो ले गई। छोड़ूंगा नहीं मैं उसको आज। ये मोटी बहन वहीं आओ। क्या हुआ क्या नानका? उस छोकरी का साहस इतना बढ़ गया है कि उसने मेरे कमरे से सुभद्रा का चित्र निकाला। कहाँ है वो छोकरी? वो आंगन में है, कुछ काम। नानका, सुभद्रा का चित्र वहां से निकालने का साहस कैसे किया तूने? वो मालकिन की वर्सी है आज। आज पहली बार ऐसा हुआ है धर्मराज कि तू सुभद्रा की वर्सी भूल गया है। पर संतु को याद थी, उसने पहले से ही पता कर लिया था सुभद्रा की वर्सी के लिए। तूने मुझे बताया क्यों नहीं? मालिक, जब मैं तस्वीर लेने आई तब आप सो रहे थे, मैंने आपको जगाना ठीक नहीं समझा। फिर हवन की तैयारी करनी थी, पूजा भी है, मैंने सोचा आंगन में होगा तो अच्छा होगा सबके साथ, इसलिए मैं यहाँ तस्वीर ले आई। सुभद्रा की वर्सी में भूल कैसे गया? कोई बात नहीं बेटा, तू देवता नहीं है और भूल इंसान से ही होती है, किसी को याद रहा वही बड़ी बात है। मालिक, मैंने आपके लिए पानी गर्म करके रखा है, ना लेना, फिर सुबह की पूजा करेंगे। मालिक, आपकी घड़ी। क्यों ऐसा करती है तू? बिना कारण मुझे
क्रोधित करती है, पछी मुझे तुझसे क्षमा मांगनी पड़ती है। सुभद्रा का चित्र लेकर जाना था तो पूछा क्यों नहीं मुझसे? मालिक अब सो रहे थे। अरे सो रहा था तो जगाने का ना, बिना कारण क्रोध दिला दिया। आपका क्रोध ही आपकी सबसे बड़ी कमजोरी है और आपकी ताकत भी। कि क्रोध निकालने के बाद आपके मन में कुछ नहीं रहता, मन का बोझ भी हल्का हो जाता है। क्रोध तो मुझे अपने आप पे आ रहा है, सुभद्रा की बरसी कैसे भूल गया मैं? क्योंकि उन्हीं की बेटी की चिंता है आपको। कादंबरी की लगन की तैयारी सिर पर है, इसलिए दिमाग से निकल गया होगा। दरवर्षे, सुभद्रा की आत्मा की शांति के लिए हम लोग हवन करते हैं और हवन में मैं अपने संतानों के साथ बैठता हूं। तू जरा मारू एक काम कर जाए। समझ गई मालिक, हितेन भाई को मैं फोन कर दूंगी। मालिक भाई, बिरवा बिन और सूरज भाई तो यही है। एक बात क्या मने, कादंबरी तुझसे बड़ी है ना, पर तू उसे नाम से बुलाती है। फिर सूरज भाई यानी बिरवा बेन क्यों? वो तो दोनों तुझसे छोटे हैं ना। आदत है मालिक। आदत इतले शो? जैसे आप मेरे पति हैं, फिर भी आपको मालिक कहने की आदत है मुझे। चल जा बेचा के तैयारी कर। जी मालिक। सुभद्रा तेरी बरसी भूल गया मैं, माफ कर जा मने। अच्छा हुआ कि मूंगी माधव काका के साथ परशुराम काका के यहीं रुके। रात के समय माधव काका को देखने में कठिनाई होती है, मूंगी साथ होगी तो उन्हें ठीक से लेके आएगी, है ना खेमी? क्या हुआ खेमी? क्या? मैं देख रहा हूं कि जब से तुम गद्दू का दुपट्टा लौटा कर आई हो, तब से तुम्हारा व्यवहार कुछ बदला बदला सा। बात क्या? देखती क्या? चल निकल। सब कुछ ठीक है ना? हाँ, कहा ना। तरुफोई ने कुछ कहा? मैं जानता था वो कुछ किए बिना नहीं मानेगी। मैं जाकर उनसे बात करूंगा। नहीं पर खेमी, मैंने कहा ना, ना मतलब ना। तुम्हें क्या पड़ी मेरे लिए लड़ने की? हम सबको पता है कि बेनबा का स्वभाव कैसा है, और फिर कुछ ही दिनों में तुम्हारी सजा खत्म हो जाएगी। तुम्हें वहां वापस लौट जाना है। हमारे कारण तुम क्यों अपना रिश्ता खराब कर रहे हो उनसे? क्या कहा? हमारे कारण? क्या तुम मेरे लिए कोई मायने नहीं रखते? क्या मेरा तुमसे कोई रिश्ता नहीं? मेरा मतलब माधु काका और मुंगी से, तुम सबसे। बेचारी भूरी, उसे भूख लगी होगी और भीख भी रही होगी, हम घर कैसे पहुंचेंगे? रुको, पकड़ो, चलो। खेमी, तुम ठीक तो हो ना? खेमी बहुत दर्द हो रहा है। चलो उठो।
संभल के चलना। मुझसे नहीं चला जा रहा। लगता है तुम्हारे पैरों में मोच आ गई। ये क्या कर रहे हो? तुम्हारे पैरों में मोच आई और तुम चल भी नहीं पा रही। पर घर बहुत दूर है। इतना भी दूर नहीं है। बहुत खुशी हुई जानकर कि व्यापार में आप परिवार के साथ जुड़ गए। गांव में तुमने मेरे साथ जो कुछ भी किया था, तकलीफ जरूर हुई थी, पर आज एक बात की खुशी है कि तुम भी साढ़ू भाई के कदमों पर चल रहे हो। आओ विराट, आओ सुरेखा, बैठो। छोकरी मौलिक कहाँ है? जा बुला के ला उसको। जी मालिक।